मुक्ति संघर्ष का समर्थन करते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और ज़ायनवादी आतंकी इजराइल जो अभी पूरे गाजा और वेस्ट बैंक में किस तरीके से वहाँ बच्चों बूढ़े लोगों औरतों का नरसंहार कर रहा है, हम उसके विरोध में खड़े हैं। और हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन की जनता का मुक्ति संघर्ष बिल्कुल जायज है, और जाहिर सी बात है अगर कहीं न्याय नहीं है तो शांति नहीं हो सकती है। जो बीते 7 अक्टूबर को हुआ वो फिलिस्तीनी जनता का अपनी मुक्ति के लिए एक प्रतिरोध था, जो पिछले 75 सालों से वहाँ की जनता गुलामी में जी रही है उसके खिलाफ उनका प्रतिरोध था, और हम उनके मुक्ति संघर्ष का पुरजोर समर्थन करते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे, सारे ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बिल्कुल, आज हमारे देश में भी देख रहे हैं किस तरीके से जो फासीवादी सरकार यहाँ बैठी है वो इसराइल का समर्थन कर रही है, ज़ायनवादियों का समर्थन कर रही है, ये अपने देश में भी आज यही कर रहे हैं, एक नकली दुश्मन खड़ा करके लोगों को आपस में ही धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ठीक यही काम इजराइल भी अपने यहाँ कर रहा है, और ये फासीवादी और ज़ायनवादी एक दूसरे के भाई भाई हैं और लोगों का कत्लेआम मचा रहे हैं, जनसंहार कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। वहाँ जितने बड़े पैमाने पे अभी कत्लेआम हो रहे हैं, लोग अस्पतालों से लेकर अपने घरों में उनके घर ढह रहे हैं, कब्रें इतने बड़े पैमाने पे खोदी जा रही है, इंसानियत के लिए ये शर्मसार करने वाली बात है। जंग अगर नहीं, जंगबंदी अगर नहीं रुकती है तो वर्ल्ड वार होने का अंदेशा है, क्या लगता है? हम पूरी दुनिया की इंसाफ पसंद लोगों का ये आह्वान करते हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में उठ खड़ी हो और अपनी आवाज बुलंद करें ज़ायनवादियों फासीवादियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह सारी महाशक्तियां एकजुट हो गई है इसराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के खिलाफ, इसे कैसे देखती हैं आप? सिर्फ दुनिया की तमाम महाशक्तियां एकजुट नहीं हुई है, आज दुनिया के अलग अलग देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख लीजिए फ्रांस से लेकर जर्मनी यूएस तक में लोग सड़कों पे उतरे हैं हजारों लाखों की संख्या में, और हम मानते हैं कि फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है और वो मिलना चाहिए, और लोग लड़ करके अपना हक लेंगे। सीधी तस्वीर आपको भारत न्यूज 91 आपको दिखा रहा है, यहाँ जंतर मंतर से ये तस्वीर दे सकते हैं, फिलिस्तीन की हिमायत में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कम से कम प्रदर्शनकारियों की तादाद यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर थे, लेकिन सबको डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, फलस्तीन की हिमायत में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे दर्शकों, लेकिन मैं आया था, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली पुलिस भी यहीं पे, मैं वहाँ खड़ा था मेट्रो स्टेशन के पास, मुझे डिटेन कर लिया गया। मैं पूछ रहा हूँ मुझे कहाँ लेके, आप देख रहे हैं पूरी बस खाली है, मैं पूछ रहा हूँ मुझे आप कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई ना मुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्यों डिटेन किया गया, क्या ग्राउंड है कुछ मालूम ही नहीं, तो आदमी करेगा क्या? मैं यहाँ पे था भी नहीं, किसी से पूछिए, मैं था मेट्रो स्टेशन के पास, खा लिया गया मुझको, पूछ रहे ग्राउंड की, तो पैलेस्टीन के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जो वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है, जो वहाँ पे लोग पीस एक अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं उसके साथ हम हैं, और हम अगर देख रहे हैं कि कैसे गाजा का पानी बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया है, और लोगों को मारा जा रहा है उसके खिलाफ, लग जाएगी चोट यार, चलो चलो तीन आदमी मानिक बोलिए ना, लॉ सेंटर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी चलेगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गाजा की नाकेबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गाजा की नाकेबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 गाजा की नाकेबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे भारी तादाद में ये लोग दिल्ली के सड़कों पर उतर आए हैं फलस्तीन की हिमायत में, और फिलिस्तीनी गाजा पट्टी छोड़ दे, 1948 से लेकर अभी तक एक देश को हथियार के बलबूते गुलाम करने का ये परंपरा चल रहा है, जनता गाजा के साथ है, आप देख लीजिए चाहे टेक्सास हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में, नीदरलैंड में, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं गाजा के पक्ष में, भारत में भी आज लोग उतर रहे थे, प्रोटेस्ट करने के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, और ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अलोकतांत्रिक है, दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से वो यहाँ सिटीजन्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं
ले जाया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की सड़कों पर चक्का जाम कर रखा है स्टूडेंट संगठन ने, और फिलिस्तीन की हिमायत पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्हें डिटेन करके ले जाया गया।